किसी चीज़ को स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या हो अगर उसे इतनी ज़्यादा तेज़ फेंका जाए कि वो ऑब्जेक्ट अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही स्पेस में पहुंच जाए। यूएस बेस्ड कंपनी स्पिन लॉन्च इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। इसमें इस तरह के एक सेंट्रीफ्यूज के इस्तेमाल से ऑब्जेक्ट को 8000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें घुमाया जाएगा, उसके बाद में उसे ऊपर लगे वेंट से रिलीज कर दिया जाएगा। कंपनी के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट को इसकी मदद से 61 किलोमीटर ऊपर तक ले जा सकते हैं, और उसके बाद से इसमें लगे कन्वेंशनल रॉकेट से ये सैटेलाइट या फिर दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट बाकी की जर्नी कंप्लीट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी टारगेट है स्पेस कार्गो को लोअर स्पेस तक ले जा पाना, जिसकी मदद से लॉन्चिंग कॉस्ट को कम किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट सच में सक्सेसफुल हो सकता है? हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं।